अरविंद बाय बाय कर दे एक लास्ट बार, है? नहीं करनी पड़ेगी, अब कोई चारा नहीं बचा। अपनी गाड़ी को बाय बाय कर, तेरी यादें कुछ ज्यादा ही है इसके साथ ताजा। है इसमें क्या क्या हुआ था? हमारी डोली आई थी सबसे बड़ी चीज। उस गाड़ी को हम कैसे भूल सकते हैं? सही बात है। और उसके बाद जो मैंने कांड किया था इसी गाड़ी को बेचारी को ठोक दिया था। तो वो यादें तो रहेंगी हमेशा। तो भाई ऐसा होता है कि जो आपकी अजीज चीज होती है ना, जब घर से जाती है पुरानी चीज, तो दुख तो होता ही है ना। बट क्या करें, अब इसे भेज ही देते हैं। 8-8.5 साल हो गए हैं, हमने शादी से पहले ली थी और बहुत ही प्यारी गाड़ी है, होंडा जैज है। पर जो हमारे जो यहाँ पे दीपिन सिंह जी हैं, ये कह रहे हैं कि यार इसे बेचो और नई गाड़ी लेके दो मेरे को। ज़्यादा गाड़ी जो है ये चली भी नहीं है, 50,000 किलोमीटर चली है। एंड वाकई में होंडा जैज जो थी ना यार, उस समय जब लॉन्च हुई थी, लेटेस्ट लॉन्च हुई थी, और हमने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलाई है। हाँ, लेगरूम पीछे स्पेस, मेरे को लगता है सबसे स्पेस ही है हैचबैक, राइट? बट इसका बेचने का कारण क्या है ये भी तो बताओ ना। कारण क्या है? कारण ये बताएगा रिबू, क्या कारण है? वही कारण तो हमारा वही है, एक तो डीजल कार है, 10 साल बाद दिल्ली एनसीआर में बैन हो जाता है, एंड जैसे पोल्यूशन बढ़ते नवंबर में डीजल कार बैन हो जाती है। You can't drive it on the road. अक्टूबर या जैसी दिवाली आती है, दिवाली के बाद बैन, जनवरी फरवरी इट जस्ट गोज ऑन। केजरीवाल साहब जो है अभी बैन कर देते हैं कुछ ना कुछ, कभी ऑड वन रूल निकाल देंगे, है ना, ऑड इवन, या कभी बैन कर देंगे डीजल कार्स को, तो खासकर बैन करते हैं। ऑड इवन तो खत्म ही हो गया, बट सीधा डीजल कार बैन ही होगा। हाँ, तो अभी सीन ऐसा है कि अपने पास दो गाड़ियां हैं यहाँ पे, जरूरत तो पड़ती है ना उस हिसाब से, और दोनों डीजल है, तो मोटिव यह है कि एक नई पेट्रोल कार ले लेते हैं और एक डीजल जो है वो तो चल ही रही है। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि जैसे इसने कहा कि 10 साल से ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में गाड़ी जो है ना डीजल वाली अलाउड नहीं है चलानी, ठीक है, बाकी दूसरे स्टेट सिटीज़ में सब है, दैट्स फाइन, बट यहाँ पे नहीं है। तो उस वजह से क्या, इसको 8.5 साल हो गए हैं, तो इसको बेचना भी ज़रूरी है, बाद में फिर कुछ मिलेगा, ठीक है ना, इसका मूल ही नहीं मिलेगा। एंड सिंस वी आर हियर, तो गाड़ी गुनीत के नाम पे है, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी इसको वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं अब 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, यू नेवर नो, तो इट्स बेटर कि अब इसको क्लियर करें एंड उसके बाद नई गाड़ी दें, ताकि इन मुश्किल दिनों में हमें गाड़ी हमारा साथ दे। हाँ, सही बात है। तो अभी गाड़ी जो है जा रही है, बिक गई है, बेसिकली हमने एक्सचेंज की है, पुरानी गाड़ी दे के नई गाड़ी ले रहे हैं, बाकी वो बताएंगे दिखाएंगे कौन सी नई गाड़ी ले रहे हैं। फिलहाल अभी आज ये गाड़ी शाम को जा रही है, कल जो है हम नई दुल्हन लेके आएंगे। तो सीन ऐसा है कि शोरूम वालों ने कहा था कि यार एक दिन पहले दे दोगे तो इजी हो जाता है प्रोसेस, हाँ प्रोसेस, ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग। हम 7 साल पहले एक नई दुल्हन लेके आए थे उसी दिन, और इस बार भी एक तू मेरे लिए। सही बात है, हमने बड़ा चूज करके दिन चूज किया है गाड़ी लेने का। बट एनीवेज अब ये गाड़ी जा रही है, अब कल नई गाड़ी जब लेंगे तब आपको भी साथ में लेके चलेंगे और बताएंगे कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, उसे क्या क्या फीचर्स है ना। कल मिलते हैं फिर। नेक्स्ट डे, हाँ जी, फिर वो दिन आ गया है, वो दिहाड़ा आ गया है जब नई गाड़ी की डिलीवरी ले ली जाए, चाबी हाथ में आ जाए। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी के नेक्सा शोरूम में। मारुति यहाँ पे दो भागों में बढ़ गई है, एक मारुति अलग है और एक नेक्सा है। तो यहाँ पे अब हम आपको दिखाएंगे कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, फटाफट से अंदर चलते हैं। बाकी की फैमिली दूसरी गाड़ी में आ रही है, तो सब कह रहे हैं हमको डिलीवरी लेनी है, हमको चाबी हाथ में लेनी है, तो सारे बड़े एक्साइटेड हैं। तो फटाफट से अब अंदर चलते हैं शोरूम के अंदर, और जो बची हुई फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हैं। वैसे हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी एडवांस में कर दी है, बट फटाफट चलते हैं और फिर कार दिखाते हैं कौन सी है। क्या कहते हैं वो जो आजकल यहाँ पे वो ब्लैक कलर का कपड़ा डाल देते हैं, अनरैप करते हैं, अनरैप करते हैं। हाँ जी अमन जी, क्या हाल है? क्या हाल है, क्या हाल? बस बढ़िया, और तैयारी है? 15 से 20 मिनट, टाइम मत लगवाना, 15 से 20 मिनट, पक्के 15 मिनट या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? 15 मिनट। तो ये अमन जी हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सेल्समैन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको डील करते हैं। तो द बेस्ट पार्ट वॉज कि अगर हमको कोई आराम से प्यार से तरीके से सब समझा दे, ट्रांसपेरेंट, तो डे वन से बड़े ही ट्रांसपेरेंट रहे हैं। तो गाड़ी आज इनके हाथों से लेंगे, शुभ हाथों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 15 से 20 मिनट दो करवा दो, ठीक है सर। अबे तुम लोग तो ऐसे आए हो जैसे कि BMW की डिलीवरी लेने आए हो। BMW भी आएगा, BMW भी आएगा, चिंता मत करो। यस यस मायरा, इज दिस योर कार?
हाय जसमायरा, आप क्या लेने आए हो? व्हाट यू केम फॉर हियर? न्यू कार? टू बाय इट? यू बाइंग अ न्यू कार? ओ वाओ, व्हिच वन इट इज? ग्रीन वन। अच्छा, ओनली ग्रीन वन। ओ जिप्सी नहीं, पीछे खड़ी है ना, एनू है, बड़ी पसंद आई है। ग्रीन के ताई ग्रीन वाली कह रही है, मेनू भी बड़ी पसंद आई थी जिप्सी। रिव्यू ये वाली ले ले, एक साथ में ले ले ये वाली भी। ये सुन के था कॉल ऑफर नहीं दे रहे, बाय वन गेट वन सेल। हां बाय वन गेट वन, वो सेल नहीं लगी, कंपनी बंद भी हो जाए ना तब भी नहीं देगी। तुम लोग इस वाली कार को क्या कहते हो यहां पे? टॉय कार क्यों है ये? छोटी सी, जब रोड पे चलते हैं सारी गाड़ियां छोटी छोटी लगती है। ये वाली लगा थार के कॉप पे लग रहे थे, बट बहुत छोटी छोटी लगती है। तो ये ले लेते हैं। अरविंद चाह रही है कि तुमसे गिफ्ट ले दे ये गाड़ी। उन्हें चलानी की, हफ्ता तो चलानी नहीं आते, हफ्ते बाद चले जाने से कनाडा। नहीं होते लाल बिल्लियां लवाएंगे ना, फिर पोर्स लाएंगे। आजकल चल रहा ना ब्रैम्पटन में। हाँ जी बाबू जी, तुसी की लेना है? एल होगे, ए भी मिल जाओगी। एल लेनी है, ए भी हैगी साड़ी को। गाड़ी हमारी ये गाड़ी। वाओ, यू गोना अनरैप? ओके, तो जी गाड़ी जो है ये खड़ी अपनी, तो कुछ ही लम्हों में और कुछ दो मिनटों में, पता नहीं कहाँ चले गए लोग, फिर से कुछ और कागज मिस हो गया, इसको हम अनरैप करने वाले हैं। ये पर्दा जो है उड़ जाएगा, पूरे परिवार से सब लोग आ गए, बहुत एक्साइटेड है चाचू, खासकर चाचू इसलिए एक्साइटेड है, पहले चाचू सबसे पहले मना करते हैं कि नहीं लेनी गाड़ी, फिर सबसे ज्यादा एक्साइटेड चाचू ही होते हैं जब गाड़ी आती है। चलो ठीक है, ले लेंगे। यार इतनी देर से आपको ढूंढ रहे हैं, आप ही नहीं मिल रहे थे, हैं कहाँ गए आप? ये हमारे जो है सिमरन भाजी है। ऑल सेट, मैं भी आऊंगा। सारे सामने खड़े हो गए, रिवील कौन करेगा? वन टू थ्री गो। ओके जी, थैंक यू जी। लो जसमायरा टेक इट, पकड़ लो, जल्दी पकड़ो। वाओ गुड जॉब, बैग भी ले लो, सो मेनी गिफ्ट्स। वाओ ले लो ले लो ले लो। वाओ थैंक यू, से थैंक यू, से थैंक यू। चलो अरे बड़ी चाबी दे दी, छोटी चाबी का है, चाबी चलेगी अंदर है। अच्छा मेन चाबी तो दे दो, चलाएगा कौन? तू चला, तू चला, चला चल, रिमोट चला। चलो जी फाइनली गाड़ी आ गई है, घर चला जाए, बहुत टाइम नहीं लगा मेरे को। कई बार जो पिछले टाइम मेरा एक्सपीरियंस खराब था, एक बार स्पॉट आ गया था। नहीं, हमारे इसलिए पेमेंट एक दिन पहले ले लेते हैं। एक दिन घर पे आता हूँ मैं आपके, फिर बैठ के फीचर वगैरह समझेंगे गाड़ी के, उस दिन ठीक है, जो छोटे मोटे रह जाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहला स्टॉप गाड़ी का हमारा यहाँ पे पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल के। कितना डलवाना है? ऑलराइट गाइस, गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और गेड़ी मार रहे हैं, झूठा ले रहे हैं। दीपेन सिंह जी सुपर एक्साइटेड, खुश, हैप्पी। यो कर ले तू पहले, यो। कैसी लग रही है राइड? बढ़िया, मजा आ रहा है? बढ़िया, स्मूथ मक्खन, स्मूथ मक्खन। आय हाय आय हाय, क्या बात है। कौन सा, ये कौन सी है, विटारा, ग्रैंड विटारा, कौन सा मॉडल है? डेल्टा मॉडल, डेल्टा, डेल्टा ट्रिम में। चलो बढ़िया है। और हम लोग क्या है, पापा चाचू को कहा है कि आप दूसरी गाड़ी में जाओ, हम नई गाड़ी में सारे के सारे यहाँ बैठ के फिट आ गए। कैसा लग रहा है जी पीछे? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। स्पेस है? हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। खुश सारे? खुश खुश, रंगा खुश। भाई इसने पहले से शोर मचा दिया था कि तू आ तो रहा है, दूसरी गाड़ी बिकनी है, तो अपने को पहले से शॉर्ट लिस्ट करके रखनी है। तो है ना, अपन ने बजट बनाया अपने हिसाब से, सारी कहानी करके गिनती के हफ्ते के अंदर हमने गेम कर ली, दो तीन के टेस्ट राइड ली हमने, ग्रैंड विटारा ली, सेल्टोस ली, एक हमने और ली थी एस्टर, वो भी बहुत प्यारी गाड़ी थी। बट एंड में दिल इसी पे आया, ग्रैंड विटारा हमारे ना सारे जो
बॉक्सेस से वो चेक कर रहा था, तो सारी चीज़ें इसमें हमें अच्छी लग रही थी, तो हम ये उठा के ले आए हैं। अभी हम गुरुद्वारे मत्था टेकने आए, कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले शुक्राना करके मत्था टेकने आओ, तो बस अभी हम गुरुद्वारे मत्था टेकने आए हैं, बाबा जी को थैंक यू कहने के लिए आए हैं। शुक्राना हो गया है, बहुत वधिया बाबा जी दा। अब क्या सीन है इसमें, पेट्रोल नहीं है? पेट्रोल है, 2 लीटर दिया था, और हम जहाँ पे भी जा रहे पेट्रोल डालने में मना कर रहे कि किसी के यहाँ पे पेट्रोल खत्म हुआ, किसी की मशीन नहीं चल रही, किसी का कुछ। वैसे भी आज यहाँ पे योगी जी आए हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर, आधे रास्ते तो बहुत ज्यादा घूम के आ रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं यहाँ पे, हर बस घर के पास ही आए हैं बिल्कुल, तो हमें ना डी टूर करके घर जाना पड़ रहा है। अच्छा एक बात अरविंद, हमें वहाँ पे तो पेट्रोल मिलता है ना कनाडा के अंदर, भर के देते हैं ना, आधी टंकी करके देते, यहाँ पे नहीं देते ना आधी टंकी, 3-4 चक्कर मार लो, कोई दिक्कत ही नहीं होती, हर जगह का अपना ही हिसाब, यहाँ पे 3 लीटर डाल के दिए उन्होंने तेल, इतना तो दो कि एक भी निकल जाए आपका। अच्छा जो ये ट्रिम है तेरा, इसमें क्या क्या है, क्या क्या फीचर है, क्या क्या, लाइक तू कह रहा था ना फुली लोडेड ऑलमोस्ट, इसमें वायरलेस कार्ले है, ठीक है, क्रूज कंट्रोल हो गया, कीलेस एंट्री हो गई, कुछ चार्ज स्टॉप हो गया, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, चार्जिंग पोर्ट है, दो आगे है, दो पीछे है। अच्छा पीछे भी दे दिया? हाँ, प्लस एक तो कार में स्मार्ट बैटरी है, अच्छा, तो जब कार रुकेगी तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी रुकती है या रेड लाइट भी रुकती है तो वो बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगी, सबसे बेस्ट चीज है। अच्छा तो फ्यूल इकोनॉमी विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज द एवरेज ऑफ द कार, बढ़िया बढ़िया रहा है, मतलब हाइब्रिड नहीं है ये, स्मार्ट हाइब्रिड है ये, इसके अंदर वही जैसे छोटी बैटरी है वो ऑन ऑफ अपने आप हो जाएगी, ऑटो कट जैसे एसी के अंदर हो जाता है वैसे ही इसके अंदर हो जाएगा जब आप रेड लाइट पे ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो। बाकी ओवरऑल बढ़िया लग रही है, स्पेस वाइज अच्छी कार है, डिक्की बहुत बढ़िया है, बढ़िया मज़ा आ रहा है और स्मूथ चल रही है, जैसे बता रहे हैं मेरे को तो मिली नहीं चलाने को, अभी देखेंगे आराम से बैठ के चलाएंगे। घर पहुँच गए हैं तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कार की डिलीवरी और ये जो कार का ब्लॉग था बढ़िया लगा होगा, आप ऐसे ही और कई सारे ब्लॉग इंडिया से रिलेटेड या कनाडा से रिलेटेड हम बनाते रहेंगे अपनी जर्नी के साथ साथ, जो जो नए नए एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ के साथ साथ, तो यार आप थोड़ा सा प्रोत्साहन दो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और वीडियो को यार लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, फिर मिलेंगे एक और बढ़िया सी दिलचस्प सी वीडियो के साथ, अभी के लिए अलविदा देते हैं आप सब लोगों के साथ, भाटिया परिवार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।